खरगोन जिले के सेगांव क्षेत्र में सड़क निर्माण ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया है। ठेकेदार की मनमानी के कारण न सिर्फ राहगीर परेशान हो रहे हैं, बल्कि देर रात सड़क पर गिट्टी और मुरम का ढेर लगाने से बस संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाला सेगांव से डोंगर गांव तक का मार्ग ठेकेदार की लापरवाही, तानाशाही व विभागीय उदासीनता के कारण आए दिन चर्चाओं का केंद्र बनकर राहगीरों के साथ ही रहवासियों के लिए बेहद परेशानी बनता जा रहा है। गुरुवार को देर रात अंधेरे में ठेकेदार ने मुख्य मार्ग पर गिट्टी और मुरुम का ढेर लगा दिया। वहीं बीच रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा कर काम किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो गया तो कर्मचारी बीच सड़क पर ट्रैक्टर छोड़कर चले गए, जिसके कारण करीबन 3 से 4 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके वाहन चालकों और यात्रियों ने ठेकेदार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पर, तो मुरुम ये पड़ी हुई थी बेटी, अब हटा रहे उसको। और क्या, तो कब से परेशान हो रहे आप? अब 2 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे आप? इंदौर। कहाँ जा रहे थे आप? यहीं रुक, हम इंदौर से आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया हमको यहाँ रोड पे। ये रोड पे ढेर कर दिए इनने, पटरी बनने के बदले रोड के ऊपर मिट्टी के ढेर कर दिए, और ट्रैक्टर वाला डीजल खत्म हो गया, ये के ना भग गया ट्रैक्टर छोड़ के भी यहाँ से, और पैसेंजर परेशान हो रहे, आधे घंटे से ऊपर हो गए बस को यहाँ खड़ी हुई, और सभी वाहन बंद हो गए हैं इधर, पूरे रास्ते पे निकलने का रास्ता नहीं है। कितने वाहन खड़े हैं भैया? कम से कम 8-10 वाहन खड़े हैं यहाँ पे, उस साइड भी खड़े हैं रोड के, इस साइड भी खड़े हैं, और बीच में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और ट्रैक्टर वाला जो मिट्टी फैला रहा था वो भी, क्या डीजल खत्म हो गया, भग गया है। 1 घंटा हो गया हमको यहाँ परेशान होते होते, कोई नहीं है यहाँ, ना ठेकेदार है, ना ट्रैक्टर वाला है, ना कोई नहीं है, सब भग गए। बहरहाल सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही और मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना कई सवालों को जन्म दे रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।